हाय गाइस, सो आज हम बनाने वाले हैं मैं और आस्था आटे का हलवा। जब घर में लॉकडाउन की स्थिति हो और घर बाहर से हम कुछ मीठा नहीं ला पाए, तो घर में फटाफट सबसे ऐसे कॉमन से इंग्रेडिएंट से कौन सी डेजर्ट बना सकते हैं, आज हम वो बताने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ली है और गैस को ऑन कर लिया है। तो हमारी गैस इस टाइम पे सिम पे है एंड हम उसमें आधा कटोरी आटा डालेंगे, नॉर्मल आटा जो भी आपको यूज करते हैं। और इसको धीरे धीरे चलाना है। और इस जब तक कि ये रोस्ट हो रहा है, जब तक ये भुन रहा है, हम क्या करेंगे, जो एक बहुत अच्छी टिप है जल्दी हलवा बनाने की, वो ये है कि हम साइड में एक पैन में अपना पानी और चीनी को भरने रख देंगे। तो हम जितना आपका आटा है उससे 4 टाइम्स आपको पानी लेना है। तो जैसे हमने आधा कटोरी आटा लिया था, तो हम 2 कटोरी पानी लेंगे। और जितना आपने आटा लिया है उतना ही लगभग चीनी लेनी है। चीनी आप कम ज्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो हमने ये चीनी मिक्स कर दी। तो अब हमने पानी और चीनी बॉईल होने के लिए दूसरी गैस पे रख दिया है। सो कमिंग बैक टू द आटा वाली गैस, तो अब हम इसमें घी डालेंगे। तो ये हमारा पूरा बड़ा चम्मच घी गया इसमें, और ये सेकंड चम्मच घी। उतना डाल लेना है कि अच्छी तरह आटा जो है वो मिक्स हो जाए घी में। तो अब हम इसको चलाएंगे और हम थोड़ी सी गैस को मीडियम फ्लेम पे कर लेंगे। हमें डार्क ब्राउन तक भूनना है, जो आटे का हलवे का कलर होता है। जब तक वो आपको थोड़ा थोड़ा दिखने ना लग जाए, तब तक आप इसको चलाते रहिए। और गैस थोड़ी हाई कर लीजिएगा, मीडियम टू हाई। सो चीनी अब ना पूरी तरह पानी में डिसॉल्व हो गई है, तो गैस को हमने बंद कर दिया है। और यहाँ आटे की खुशबू बढ़ती जा रही है। वाह, आटे भुनने की, और हल्का हल्का ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है आटा। सो गाइज, अब देखिए आटे का कलर जैसे कि हमारा डार्क ब्राउन हो गया है। अब बारी है उसमें जो हमने फ्राई पैन में पानी गरम किया था उसको मिलाने की। ये याद रखिएगा कि पानी थोड़ा धीरे धीरे मिलाएं, क्योंकि एकदम से पानी जैसे मिलाते हैं वो पानी ऊपर उछट कर आता है। जैसे आपने देखा कि एकदम से धुआं सा आया, तो अब आप कंटिन्यूअसली इसको स्टर करते रहें जब तक कि गाढ़ा ना हो जाए। और ये जरूर याद रहे कि आप बड़ा कोई चम्मच ही लें हिलाने के लिए, वरना आपका हाथ भी जल सकता है। देखिए अब ये कितना गाढ़ा हो चुका है, हम इसे कंटिन्यूअसली स्टर कर रहे थे, तो अब ये ऑलमोस्ट बिल्कुल रेडी है। तो अब आप इसे गैस को ऑफ कर दें और इसको अपने बोल में गर्मा गर्म सर्व करें और एंजॉय करें। सो गाइज, अब हमने हमारा हलवा एकदम रेडी हो चुका है और हमने इसे बोल में ट्रांसफर कर लिया है। अब लास्ट फिनिश टच आस्था दे रही है अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स के साथ। ये आपकी चॉइस है कि आप ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं, नहीं डालना चाहते हैं, कौन से डालना चाहते हैं। और ये हमारा हलवा रेडी हलवा हो गया। रेडी हो गया। तो दीदी खा के देखो कैसा लगा है, अब कैसा मेरी बना है। सो यमी। तो अभी हमारा ये वाला अटेम्प्ट भी सक्सेसफुल रहा, तुम्हारा चौकुलावा भी अच्छा हुआ और ये भी अच्छा हुआ। ये तब आप देखिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सारी जो हमने रेसिपी में इंग्रेडिएंट्स यूज़ करे हैं उसके उसकी सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इंग्रेडिएंट्स मेंशन कर दिए हैं, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। बाय बाय गाइस। अब हमने इसको एक बोल में रख दिया है।